Hey guys, welcome back to YouTube channel. This is your friend Girlfriend Rai. दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको लेकर आया हूँ ऑटो गैलरी राजू भैया के पास. तो भैया आज हमारे कौन सी गाड़ी रहने वाली है? आज हमारे पास सिविक आई है, 10 साल पुरानी सिविक. 10 साल पुरानी, बिल्कुल रफ हालत में. बिल्कुल रफ हालत, बिल्कुल रफ, कुछ सब खराब हो रखा पूरी गाड़ी का ना. पूरी गाड़ी की इस टाइम में बैंड बजी पड़ी है. भैया आपकी शॉप कहाँ पर है? पहले हमारे व्यूअर्स को बता दो. मेरी शॉप है ऑटो गैलरी रानीबाग, नियर बाय फाउंटेन चौक, दिल्ली 34. ओके भाई, तो आपको सिंपल सुपर करना क्या, अगर आपको भैया के पास आना है अपनी गाड़ी पे काम करवाने के लिए, ऑटो गैलरी अगर आप टाइप करेंगे अपने मैप में भी तो डायरेक्ट लोकेशन मिल जाएगी. लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी. तो भैया गाड़ी के अंदर मतलब पूरा इंटीरियर पूरा खराब है इस टाइम, मतलब कुछ नहीं बचा उसके अंदर. तो चलो एक बार हमें गाड़ी दिखा दो, आप क्या करने वाले हो उसके बारे में बता दो. चलिए आपको दिखाए थे गाड़ी की हालत, जो कि भैया बता रहे कि काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है इस टाइम पे गाड़ी की हालत. आप देखो डोर पैनल ये सारे घिस गए हैं, घिस चुका है पूरा. पियानो ब्लैक कर रहे हैं. अच्छा, ये पूरा पियानो ब्लैक में हो जाएगा? ये पूरा पियानो ब्लैक है. ओके, ये भी पियानो ब्लैक है, ये भी पियानो ब्लैक है. जितना भी सिल्वर आइटम मैं देख पा रहा हूँ उसमें तो खराब हो गया, वो सारा पियानो सारा प्लान. ये डोर पैनल हम सेम फैब्रिक कर रहे हैं जिसमें हमने सीट कवर्स लगाया है, ओरिजिनल तरीके से जैसा ये बना है. बिल्कुल इसकी हालत तो बुरी गई, बिल्कुल बिल्कुल खराब है एकदम. और बता रहा हूँ सीटें बिल्कुल डंप हो चुकी हैं, फ्लैट हो चुकी हैं, इसका बकेट खत्म हो चुका है, सीट फट रही हैं. ये कह रहे पूरी डाउन है, यहाँ से दिख भी रहा है पूरी सीट फ्लैट हो चुकी है, हालत हो रही है. रूफ देखो सारी खराब हो रही है, ड्रैकलिन करा करा के पूरी रूफ खराब हो चुकी है, खराब हो गई है. हाँ, बाकी सीट कवर देख पा रहा हूँ मैं, हर जगह से फटी हुई है. देखो स्टीयरिंग देखो कितना बेकार लगा है अभी ना इसमें. स्टीयरिंग देख लो भैया, स्टीयरिंग चेकआउट कर लो, पूरा रिंकल से भरा हुआ है. और सीट कवर देखो पूरी की पूरी सिलाई यहाँ पे निकल चुकी है. अगेन पूरा हालत खराब है इस टाइम पे गाड़ी के अंदर. सारा डैशबोर्ड भी हम कर रहे हैं, सारा डैशबोर्ड भी कर रहे हैं. अच्छा भैया, डैशबोर्ड पूरा करेंगे हम? पूरा करेंगे डैशबोर्ड. ये भी भैया, ये कौन से कलर में रहने वाला है? ये सब मस्टर्ड कलर रहने वाला है. मस्टर्ड कलर रहने वाला है. तो भैया ये भी मस्टर्ड कलर, आप इसको रैप करेंगे या पेंट करेंगे? इसमें बहुत सारी जगह पे हम रैप कर रहे हैं, फैब्रिक का ही रैप कर रहे हैं. बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बहुत कम माइनर जगह होती है जहाँ रैप नहीं हो सकता, वहाँ पे हम लेदर पेंट यूज कर रहे हैं. लेदर पेंट यूज कर रहे हैं. तो पिलर भी कर रहे हैं हम, डोर पैनल भी कर रहे हैं, डैशबोर्ड भी कर रहे हैं, मतलब टोटल, मतलब पूरा इंटीरियर. गाड़ी में कुछ नहीं छोड़ना हमने, हमने हर एक चीज करनी है, हर एक चीज होगी. भैया एक चीज बताइए, रूफ पे हम क्या करने वाले हैं? इसमें रूफ तो पूरी खराब है. कारपेटिंग कर रहे हैं, ब्लैक कारपेटिंग कर रहे हैं, जैसा ओरिजिनल आता है. जैसा आपका ये बेज कलर लगा है इसको हम ब्लैक कर रहे हैं. अच्छा, क्योंकि हम दो थीम में गाड़ी कर रहे हैं, ब्लैक और मस्टर्ड ब्लैक. अच्छा, दो थीम में, डुअल टोन में गाड़ी का इंटीरियर पूरा करेंगे. दो कलर में, एक ब्लैक है और एक मस्टर्ड कलर है. ठीक है, जो की बेज कलर आप समझ सकते हो. ठीक. सो भाई यहाँ पे भैया ने पूरी तरह डिटेल में बता दिया कि गाड़ी को हम जो है यहाँ पे डुअल टोन में जो है कन्वर्ट करने वाले हैं. गाड़ी की हालत इस टाइम में बहुत ही ज्यादा खराब रहने वाली है, जैसे आप देख पा रहे होंगे. और सीट्स कवर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पूरी इसकी इस टाइम पे रेल लगी हुई है. डोर पैनल्स देख लो भैया, गाड़ी की भैया वाकई बहुत ज्यादा हालत खराब है. आप बस एक वीडियो बनाओ छोटा सा, और जब ये गाड़ी हमारे बोलने से कुछ नहीं है, वो गाड़ी काम बताएगा. हाँ भैया, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, जो गाड़ी का काम है वो ही बताएगा. गाड़ी में कुछ छोड़ने नहीं है, हमने नीचे का कारपेट भी चेंज करा. अच्छा, कुछ छोड़ना ही नहीं है. ये कारपेट देखो कितना गंदा हो रहा है, इतनी बार ड्राई क्लीन हो चुका है ना, बहुत ज्यादा रफ स्मेल आ रही है इसमें. ये देखो भाई, ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा. हमने बिल्कुल गाड़ी ब्रांड न्यू शोरूम पीस करके देनी है कस्टमर. मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, हो रही है, उनका उनको रीसेल नहीं है, और उनकी गाड़ी बिल्कुल टेंच है. हाँ, इंजन से टेंच है, बस उनको अंदर एक नया लुक चाहिए और हाँ, नई गाड़ी बिल्कुल मिल जाती है. कई लोगों को भैया अटैचमेंट भी होती है अपनी गाड़ी. हाँ, से बिल्कुल बिल्कुल, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं. ये तो भाई ये गाड़ियाँ बिल्कुल वही रहने वाली है जो आप बता रहा था आपको, अटैचमेंट होती है लोगों को, लेकिन गाड़ी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है. मतलब बहुत खराब हो जाती है ना, 10 साल हो जाते हैं गाड़ी को ना, 10 साल हो गए गाड़ी को. जिसकी गाड़ी को 10 साल हो गए वो कहाँ रहेगी वो. ये तो है भैया, तो मतलब अब इस गाड़ी को हम पूरा नया करने वाले हैं एक तरह से. बाहर से भी हम कुछ काम कर रहे थे, क्रोम खराब हो रहा है वो भी सब कर रहे हैं. अच्छा, जो ग्रिल का जो हम मतलब गाड़ी को एकदम बढ़िया करके देने वाले हैं हम. सर गाड़ी की लाइफ एक तरह से डबल होने वाली है. बिल्कुल, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये सीटें बिल्कुल खत्म हो गई है. मैं सीटें रिपेयर भी करेंगे हम इसमें ना, पूरा जो बकेट खत्म हो गया वो भी करेंगे. अच्छा, और मतलब एक तरह से अंदर पूरी फिटिंग वगैरह पूरी आएगी. और देखो ये गैप आ रहे हैं, ये सब है, सीट कवर लगे हुए हैं. हमने इसकी सीटें बनानी है, सीटें जैसी ओरिजिनल कंपनी से आती है, सेम वही सेम वही. ये सारे डोर पैनल सब रफ हालत में हो रहे हैं, सब रफ हालत में हो रहे हैं, सब हम करके देने वाले. बहुत ही बुरी हालत है इसकी, तो बटन वाले साइज की भाई पूरा ये निकल रहा है, देख रहे हो पूरा निकल रहा है यार, डोर पैनल वगैरह पूरा ही खराब है इस टाइम पे.
यहाँ पे अपनी सीट्स निकलने शुरू हो गई है भाइयों। सीट को गाड़ी से अलग कर रहे हैं, इस गाड़ी के हम इस टाइम पे चारों सीटें जो है बाहर निकाल रहे हैं, उसका डोर पैनल्स का बाहर निकालेंगे, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा प्रॉपरली काम होते हुए। मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक देखें, बहुत मजा आएगा आज के वीडियो में। लेट्स सी कैसा होता है गाड़ी का आउटपुट निकल के आता है। तो भाई ये इसका हमारा स्टॉक रहने वाला है इस टाइम, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने वाली है। इसको भी हम ग्लॉस ब्लैक में पूरा करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक देखें, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी को रीस्टोर करना चाहते हैं पूरा इंटीरियर, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। पूरा इंटीरियर ए से लेकर जेड तक का रीस्टोर होगा। अभी आप उसकी डिग्गी पे भी कुछ करने वाले हैं। ये सारा कारपेट वारपेट सब जो ख़राब हो रहा है, ये 10 साल जो पानी फोम लग लग के सब खराब हो चुका है, ये सारा हम कारपेटिंग कर रहे हैं विद अपना गत्ते के साथ, जो उसका आता है ना पैनल आता है जल, जो प्रॉपरली सा गत्ता आता है उसके साथ काम कर रहे हैं। उसके ऊपर हम सारा कारपेटिंग वाला काम कर रहे हैं। कारपेटिंग वाला काम भी से प्रॉपर होगा, तो मतलब ये बिल्कुल रफ हालत खराब हो चुके हैं, सब स्मेल मार रहे हैं सब कुछ, पूरी हालत खराब है गाड़ी बहुत ज्यादा। भाई इस टाइम पे गाड़ी की हालत आपने पूरी देख ली है, अब हम दिखाते हैं इसका आपको नेक्स्ट लेवल जो कि इसमें काम होगा। अपनी गाड़ी पूरी तरह खाली कर दी है भैया ने। सो भैया अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है हमारा? सारी सीटें वगैरह डोर पैनल सब इसके उतार दिए हैं, अभी इसकी रूफ भी खुलने वाली है, सब कुछ ये सारा कारपेटिंग वगैरह काम होने वाला है। सारा ये हमारी फैक्ट्री जा रहा है। अच्छा, ये सारा सामान हमारी फैक्ट्री जा रहा है। ठीक है भैया, फैक्ट्री में आपको लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या काम होता है। ठीक है भैया, ठीक है। हमारा ये नॉर्मल सीट कवर्स नहीं है, ये सीटें बन रही है, बन रही है। हाँ। ये तो सब कुछ मशीन वर्क इस पे हो रहा है। ठीक है भैया, सब कुछ बढ़िया काम होगा, हम दिखाएंगे आपको सारा वही। ठीक है भैया, मतलब सीट कवर नहीं बन रही, प्रॉपर सीट बन रही है, सीट बन रही है, सीट ठीक है, हो रही है, चलो फोम खत्म हो गया उनके, हाँ सब कुछ हो रहा है, वो दिखाएंगे हम आपको। चलो भाई सही है, तो भाई चलो भाई चलते हैं भैया की फैक्ट्री में, देखते हैं इसका आएगा व्यू क्या होने वाला है। सो भाई यहाँ पे हम आगे अपनी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे कि हमारे सारे ये रियर का आर्मरेस्ट रहने वाला है, फ्रंट आर्मरेस्ट, डोर पैनल्स वगैरह रखी है, सीट्स रखी है, स्टीयरिंग रखा हुआ है। सबसे बड़ी मेन चीज़ जो हमारी यहाँ पे है अपनी सीट्स रहने वाली, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है इस टाइम पे। तो भैया पहले तो अपनी फैक्ट्री के बारे में बता दो कुछ, और ये सीट काम किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में बता दो। ये कोई नॉर्मल बकेट सीट कवर्स नहीं है, ये कोई नॉर्मल बकेट सीट कवर्स नहीं है, ये कस्टमाइज सीट कवर्स है, जिसके अंदर अपना सारा हम जैसा कंपनी से काम होता है वैसा ही आप देखते हो, सब लोग डोरी इलास्टिक वगैरह लगाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई डोरी इलास्टिक वाला नहीं होता। हमने ये देखो यहाँ पर जैसा कोई डोरी और कोई इलास्टिक नहीं है, जैसा फिटिंग प्लास्टिक के कवर कारपेट जैसा कंपनी लगा के देती है, हमने सब वैसे ही लगाते हैं। प्रॉपर फिनिशिंग चेक, प्रॉपर फिनिशिंग, एक बार इसकी फिनिशिंग चेक करो पूरी, बहुत बढ़िया लगेगी। ये तो सब अपना पैक होना है, ये सारा तो सब पैक होगा ना, यहाँ पे कवर लगेगा। ठीक ठीक, आप फिनिशिंग देख रहे हो तो सामने से देखो ना, ये देखो भाइयों फिटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होती है फिटमेंट, ये होती है कस्टमाइज फिटिंग, इसमें कोई भी डोरी इलास्टिक नहीं है, जैसा ओरिजिनल का प्लास्टिक का अपना बिडिंग्स होती है वही सारी इसमें लगाई गई है। मतलब एक तरह से बोले जाए तो पूरा ओरिजिनल वाला ही है। नहीं ओरिजिनल ही है, बोले तो नहीं ओरिजिनल ही है। ठीक है भैया, ये हमारी रियर वाली सीट है, ये रेडी हो रही है, इनकी सबकी फोम सब 10 साल में सब दब गई है, इनको हम पूरा फोम वगैरह सब बनाएंगे बढ़िया, और जो ओरिजिनल आती है उससे थोड़ा सा और गेटअप देंगे इसको। अच्छा मतलब देंगे इसको, थोड़ा सा उठाव आ जाए, क्योंकि 10 साल में फोम अपना ये जो ये डल्लब है ये सही कह रहे हो। अच्छा मतलब टोटल मतलब यहाँ पे ये रहने वाला है कि ये पूरा जो है इस टाइम पे 10 साल पुराना है तो बैठ चुका है, इसके ऊपर आप दोबारा से रिफॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, पहले तो ये फ्लैट हो रखा था, आप ये देखा था फ्लैट हो रखा था ना, आप देखो पूरा फ्लैट था, अब इसके अंदर बकेट फिटिंग आ गई है, आप इसके अंदर आराम से बैठ सकते हो बिल्कुल एकदम, और आप हिलोगे भी नहीं। बढ़िया, अच्छा फंस गए, बढ़िया, मतलब पूरी कंफर्टेबल बना दी इस टाइम भैया ने। भैया बता रहे जो उस स्टार्टिंग में हमने देखी थी ये सीट्स, तो यहाँ से पूरी फ्लैट थी, हमने आपको वीडियो में दिखाया था पूरी सीट जो है फ्लैट थी, लेकिन अब इसके अंदर जो प्रॉपरली कर्व आ चुके हैं, साइड से आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली कर्व है, सीट की फिटिंग इतनी बढ़िया, तो भैया वही चीज हम इसके अंदर भी करने वाले। सब में ऐसा हो रहा है, रियर सीट में, फ्रंट सीट में, फ्रंट बैक में, रियर बैक में, सब में ऐसा ही होगा, सब में ही होगा। अभी मैं स्टीयरिंग देख पा रहा हूँ, स्टीयरिंग में जो होने वाला है, स्टीयरिंग बनाएंगे अभी हम, बन रहा है इसका स्टीयरिंग। ओके, ये बनाएंगे, ये डोर पैनल्स हो गए हमारे। ठीक है भैया, इसमें जैसे ओरिजिनल डिजाइन डलता है वही डाला है हमने, डबल स्टिचिंग वाला, मतलब जो हमने जो हमको पहले देखने के लिए मिल रहा था उसमें पूरा ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल। ठीक है भैया, ठीक। सो भाई ये था हमारा भैया की फैक्ट्री का वॉक अराउंड, जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि हम किस तरह से सीट रेडी करते हैं, चाहे तो पुरानी है चाहे तो नहीं है, हर तरह के डिजाइन वगैरह बनाए हमारे पास, हर तरीके के सीट कवर्स होते हैं, बकेट फिटिंग वाले या नॉर्मल वाले, और हर गाड़ी के, कई गाड़ियों का साइज नहीं भी होता तो वो सब हमारे पे होते हैं, हम
सेम टाइम पे एक ही दिन में वो साइज हम आप ही की गाड़ी की सीट से निकाल लेते हैं। और भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी की जो है छत भी यहाँ पे हमने इस टाइम पे निकाल ली है। और यहाँ पे अपनी रूफ को ब्लैक कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। और ये अपना इंटीरियर के पार्ट्स रहने वाले भाई जो पहले बेज कलर के थे, इसको कि हमको गाड़ी को जो है डुअल टोन में रखना था, इसकी वजह से हमने इसको जो है ब्लैक कर दिया है, जो कि पहले बेज कलर में थे, है ना भैया? पहले अपना ये बेज कलर में थे, पहले ये सारा बेज कलर था, सारा बेज कलर था, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन बनाना है मस्टर्ड और ब्लैक का, ठीक है? तो ये हमने सारा ब्लैक करा दिया, सारा ब्लैक करा दिया, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाना है डुअल टोन में मस्टर्ड और ब्लैक का। अब ये अपनी रूफ ब्लैक हो रही है यहाँ पे, तो इसको भी कराने के फायदे भी रहते हैं, मतलब कभी गंदी वगैरह भी नहीं होती ना फ्यूचर में, बिल्कुल कोई ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ। कुछ नहीं है, कुछ भी ब्लैक एक बार लग गया खत्म, कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे यूजुअली हम देखते हैं जो बेज कलर वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा डस्ट हो जाते हैं, गंदी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको साफ करने की जरूरत पड़ जाती है। तो मतलब ये चीज एक बार परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, है ना, कि एक बार कर दो ब्लैक और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ करने की। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर जो है कारपेट चढ़नी स्टार्ट हो गई है, सब देख पा रहे हैं, ये अपना कारपेट रहने वाला है जो कंपनी का प्रोवाइड करती है, सेम उसी तरह का पैटर्न रहने वाला है पूरा। और इस टाइम भी ये कर रहे हैं यहाँ पे ड्राई क्लीन, पहले पूरी गाड़ी को अंदर से ड्राई क्लीन कर रहे हैं यहाँ, और साथ साथ अपने यहाँ पे जो है पार्ट्स भी आ गए हैं गाड़ी के सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो कि पहले एकदम डल पड़े हुए थे, हमने इनको उस पूरे प्रॉपर पार्ट पे जो है पेंट किया है, इन पूरे पार्ट्स पे जो हमने पेंट किया है। और यहाँ पे अपनी पेस्टिंग स्टार्ट हो गई है फ्लोरिंग के लिए, पूरी प्रॉपरली पूरी पेस्टिंग होगी, टेल एंड तक पूरी प्रॉपर पेस्टिंग होगी, उसके बाद जो अपना जो मैट है ये इसको जो है पूरा बिछाएंगे इस पर। बूट्स पे इसकी बात करूँ, पहले हमने आपको दिखाया था इसकी क्या हालत थी, लकड़ी की वुडन की बुरी हालत थी, अब हमने जो है इसका प्रॉपरली बना दिया है, देख रहे हो प्रॉपरली फिनिशिंग अच्छे से हो गई है, जिसके अंदर पहले वाला डला हुआ था वो पूरा सड़ चुका था, ख़राब हो चुका था, इस टाइम पे थोड़ा सामान वामान पड़ा है, इस वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट स्टिल पूरा जो है बन चुका है इस टाइम पे, आप एक बार चेकआउट कर लो खुद। और भाई यहाँ पे अपना आ गया डैशबोर्ड का फ्रंट पीस, जिसको कि हमने पूरा रैप नहीं किया, हमने इसको यहाँ पे पेंट किया है, पास से देख पा रहे हैं इसे, और भी हमारी गाड़ी के यहाँ पे पीसेस आ गए हैं जो कि अपने पिलर्स रहने वाले हैं, देख लो भाई गाड़ी के लुक बहुत हद तक इनहेंस होने वाली है, पूरे का पूरा जो इंटीरियर हमने जिसमें काम किया है पूरा चेंज ही हो गया ऑलमोस्ट। दिखाना भी एक बार घुमा के, कौन सा पीस है भाई? अपने डैशबोर्ड का सेंटर का लगा दो भैया, जैसे जैसे हम गाड़ी में चीज़ें फिटमेंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे गाड़ी की इन्हेंसमेंट बढ़ती जा रही है, जैसा आपने देखा फ्रंट का हमने पूरा डैशबोर्ड का पीस लगा दिया ऊपर का, जो कि पूरा ब्लैक में रहने वाला है, या पूरी तरह ये फिट करते हुए इसको टिश्यू पेपर से प्रॉपरली, ताकि इसमें पेंट पे कोई इशूज़ ना आए। और यहाँ पे अपना फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड हो गया है पूरी तरह रेडी, फ्रंट के पिलर लग चुके हैं, छत ब्लैक है, और फ्रंट के पिलर्स ए पिलर हो गया, बी पिलर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, सी पिलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाकी ये देख लो गाड़ी के लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी इस बार, क्योंकि जो पूरा मैट इस पर बिच चुका है, कंसोल बॉक्स पर हमने हमारा पूरा बेज कलर रखा था जिसको हमने ब्लैक में पूरा कन्वर्ट कर लिया है, आर्मरेस्ट यहाँ पे लग गया है, काफ़ी चीज़ें गाड़ी में लग गई है, और जो ब्लैक के साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पे अपना डैशबोर्ड लग गया है पूरी तरह से, मतलब स्टिल इसका बीच का पार्ट अभी स्टिल बाकी है लगना, इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, और बाद में अगर आप बात करें इसके डैशबोर्ड की तो भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, हमने इसके पूरे एसी के वेंट वगैरह उस टाइम पे लगा दिए, ब्लूर का पूरा वेंट वगैरह लग चुके हैं। और यहाँ पीछे से आप एक बार और सीट चेकआउट कर लो भाइयों, पीछे से बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती हुई, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं इसका ड्रॉर, जो कि बेसिकली सामान रखने वाला ड्रॉर होता है वही रहने वाला है, इसका इंस्टॉलेशन चल रही है ड्रॉर की। और यहाँ पे अपना फाइनल गेट इंस्टॉल होते हुए, यहाँ पे गेट पूरा इंस्टॉल कर लिया, गेट पहले चेकआउट कर लो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे,
जब तक भैया गेट इंस्टॉल कर रहे हैं आपको रेयर दिखाता हूँ। रेयर का भी यहाँ पे गेट हमने इंस्टॉल कर लिया है, चेकआउट कर लो। बहुत ज़्यादा ज़्यादा मस्त लगने वाला है। रेयर की सीट भी लग चुकी है और आगे सब कुछ इसमें ऑलरेडी इन्फिटमेंट हो चुकी है। गेट्स वगैरह हमारे सारे लग गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं गेट लग चुके हैं सारे, सीट्स हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। बस इसके गेट और विंडो के बटन्स लगने बाकी है। और दोस्त हमने इसको भी इंस्टॉल किया है पूरा जो है क्रोम, हमने इसको ग्लॉसी ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं। ओवरऑल गाड़ी की लुक इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और यहाँ पर अपने स्टीयरिंग की फिटमेंट स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर अपना कम्प्लीट हुआ स्टीयरिंग जो कि इसमें इस टाइम पे इंस्टॉल हो चुका है। और ये अपना ग्लॉस ब्लैक बटन पीछे का पावर विंडो का, जिसको कि हमने ग्लॉस ब्लैक में कर दिया है, जो कि पहले सिल्वर रैप में रहने वाला था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हमने डोर में जो है प्रॉपरली इसके ग्लॉस में ग्लॉस ब्लैक में कर दी सारी चीज़ें, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसमें जो है लुक आ रही है इस टाइम पर। अपना स्पीडोमीटर वाला डैशबोर्ड का पीस रहने वाला है, जिसमें भैया ब्लोअर का पार्ट इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। ओके, अब गाड़ी के अंदर आया हूँ तो गाड़ी की सीट्स कवर के बारे में बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि सीट्स कवर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बात करूँ गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर तो आपसे भी नहीं छुप रहा, मेरे से भी नहीं छुप रहा, ये पूरा इंटीरियर रहने वाला है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। कंपेरेटिवली पहले गाड़ी एकदम रद्दड़ थी और अब गाड़ी एकदम एक नंबर बन चुकी है। और अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट अपनी एंड्रॉइड की। अच्छा भैया, एंड्रॉइड जो हम इंस्टॉल करते हैं पूरा कपलर रहता है ना? हाँ जी, सारा कपलर कपलर ही है। मतलब जैसे कि ये तो अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी है सिविक, तो इसमें मेरे ख्याल से वारंटी का तो कोई सीन शॉट है नहीं, बट स्टिल कोई बंदा अगर अपनी नई गाड़ी करवाने आएगा तो कपलर ही रहता है ना? हाँ वही, मैं क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इतना काम जो होता है तो सारा कपलर के बेस पे ही होता है, अदरवाइज कोई अपनी गाड़ी खुलवाएगा भी तो क्यों, क्योंकि हर किसी को अपनी गाड़ी की वारंटी की बहुत ज़्यादा केयर होती है। सो इस टाइम पे गाड़ी की वारंटी तो ऑब्वियसली बात है आउट है, क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ी है, बट स्टिल हमने इसमें कपलर यूज़ किया है जिससे कि गाड़ी जो है प्रॉपर मेंटेन रहे। तो यहाँ पे अपना स्टीरियो इंस्टॉलेशन हो गई है, जिसमें कि अपने ये बटन जो है पहले वाले थे, इसका जो फ्रेम था इसमें जो है इन बटनों के लिए गैपिंग थी ऑलरेडी, और ये अपने एसी कंट्रोलिंग वगैरह सारे के जो है आउटपुट दिए हुए थे ऑलरेडी। बाकी वेयरनेस की पन्नी हटा दी है इस टाइम पे। एक बार इस गाड़ी का सारा काम होने दो, छोटा मोटा काम बचा, उसके बाद आपको कंप्लीट कार पूरी दिखाऊंगा बम्पर टू बम्पर। तो और दोस्तों, आज तीसरा दिन रहने वाला होंडा सिविक को मॉडिफाई होते होते, जो कि 3 दिन से मॉडिफाई हो रही थी, तो फाइनली फाइनल डे आ गया जिसमें आपको पूरी गाड़ी दिखाए। सिनेमैटिक आप देख चुके हो, बट अब हम आपको गाड़ी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, कितना टाइम लगा, क्या क्या लगा, क्या नहीं लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। समझ, राजू भैया जो ने पूरी गाड़ी यहाँ पे जो है रेडी करी है, तो भैया हमें इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में ए टू जेड सब कुछ जानना है, स्टार्ट करते हैं। सामने है सारा, हमने लेदर वर्क किया है, सारा स्टिचिंग वाला काम किया है सारा,
ये हमने लेदर पेंट किया है, ये पियानो ब्लैक किया है सारा, ये लेदर पेंट भी है नीचे वाला ना। हाँ जी। और ये पियानो ब्लैक, पियानो ब्लैक है सारा। यहाँ पर, यहाँ पर आपके सामने गाड़ी आपको शुरू में भी दिखाई थी हमने, अभी देखिए जैसे भैया इसकी सीट्स रहने वाली है। सीट्स भी काफी मैंने बैठ के देखी, कंफर्टेबल भी है और लुक भी गाड़ी की एनहांस हो रही है इससे, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। सीट्स कैसे कैसे बनाई है आपने? सीट्स के सीट के बारे में आपने कस्टमाइज सीटें बनाई है, ये नॉर्मल सीट कवर्स नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल खराब हालत में सीटें थी। हाँ। और इनको हमने पहले फोमिंग सारी करी, फोमिंग करी, पहले शेप बनाई हमने, फिर आप इसके सारे हमने इसको पूरा प्रॉपर किया। आपके सामने है फिटमेंट, देखो आप जैसे भी है देख लो भैया, फिटमेंट बहुत ज्यादा प्यारी है। ये देखो पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज जो आप देख पा रहे कर्व, ये पहले नहीं थी ना, ये बिल्कुल नहीं थी, ये पूरी फ्लैट थी, सेम सीधी। आप वीडियो के शुरू में आप देख सकते हो पूरी फ्लैट थी। और प्लस बीच का कंसोल आपने पूरा जो कि पियानो ब्लैक में कर दिया है ना भैया हमने। हाँ जी, एंड्रॉइड भी हो गया, गियर नॉब भी हो गई, रूफ लाइट भी हो गई अंदर की। मैं आप रूफ लाइट ऑन करता हूँ एक मिनट। हाँ भैया, ये रूफ लाइट्स हो गई, ऊपर कारपेटिंग होगी सारा ना, रूफ रूफ सारा बनाया है, 70 मैट हमने डाले हैं, रूफ ब्लैक हो गई, 70 मैट हो गई। इवन हमने इसके अंदर की मैट भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है, ये आप देख पा रहे हैं जो पूरी प्रॉपर जो कंपनी फिटेड आती है, विजय जो कंपनी फिटेड आती है अपने बिल्कुल वही काम करके दिया। बिल्कुल, इसमें 10 साल पुराना कारपेटिंग था सारा गाड़ी के अंदर, वो हाँ। बहुत खराब हालत में था, बहुत ज्यादा खराब हालत, बहुत खराब हालत में, उसमें स्मेल भी थी। हाँ। वो हमने चेंज करके, क्योंकि हमने पूरी गाड़ी में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, तो इसी वजह से हमने वो कारपेट को भी चेंज किया, चेंज करा आपने। सो भैया गाड़ी की, गाड़ी ओवरऑल बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है इस टाइम पे अंदर से, बहुत ही ज्यादा पिलर्स में देख पा रहा हूँ। अच्छा भैया, यूजुअली हम ये दिखाते हैं वीडियोस में, हम ना अपने पिलर और डैशबोर्ड को ना लेदर से रैप करते हैं। आज ये लेदर पेंट किया है। ओके। आपको ये फील होगा कि ये गाड़ी ऐसी ही है, मतलब अच्छा। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से थोप दिया है, बना दिया है, लगा दिया है। अच्छा, आप वो फिटमेंट देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो। चलो भैया, भैया ने जैसे बोला कि ये पूरा फिटमेंट ही ऐसा किया है कि ये रैप है ही नहीं, इसके ऊपर भैया ने पेंट किया जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। सही कह रहे हो भैया, पूरा ओरिजिनल वाली ही फील आ रही है इस पे। मैं तो आपको सिर्फ ये कहूंगा, आपने वीडियो के शुरू में आपने गाड़ी देखी होगी। हाँ। और आप अब देखो। हाँ जी, आपने बहुत वीडियो देखी होगी, क्या इंटीरियर है, कैसा है, कैसा नहीं, आप बताओगे। हाँ जी, कमेंट करने के लिए बोल दो भैया। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करेंगे, जैसा भी आपको लगे वहाँ कमेंट्स करना, लिखना जो भी आपको ठीक लगे। अच्छा किया है, जैसा किया है, आपके सामने पूरा इंटीरियर इस टाइम पे आपके सामने रेडी है। आपको खुद जज करना है कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, उस पर हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। सर, कार के ओनर रहने वाले भैया, आपका नाम क्या है? कुलरतन। आपका? योगेंद्र। तो भैया जी, आपको कैसे लगी गाड़ी, भैया ने जो काम किया आपकी गाड़ी में, कैसा लगा आपको? काम एक नंबर लगा, काम एक नंबर लगा, मजा आ गया भैया, मतलब जैसा सोचा था ना। हाँ जी, एग्जैक्टली वैसा, मतलब ये था कि मतलब बिफोर और आफ्टर कितना कैसा लगा आपको, फर्क कितना लगा, मतलब जमीन आसमान का लगा? बिल्कुल, बहुत, क्योंकि मैंने भी पर्सनली वीडियो स्टार्टिंग से शूट करी थी, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो जिसे कहते हैं ना गाड़ी की काया पलट पूरी तरह से, बिल्कुल वही हुआ है मेरे हिसाब से, तो वही हुआ। आपको लगा? दोनों टोन चेंज कर दिया ऊपर, वो भी बिल्कुल कर दिया। सो ओवरऑल आपको गाड़ी पूरी तरह पसंद आई, आप सेटिस्फाइड है अपनी कार को देख के? दिल खुश हो गया, दिल खुश है। 10 से कितने मार्क्स देंगे भैया को? 10 out of 10। चलो ठीक है भैया, काम आपका अच्छा लगा। अच्छा भैया, अपने बारे में बता दो, आपकी शॉप कहाँ पर है, एड्रेस बता दो एक बार हमारे व्यूअर्स को। हमारी शॉप है ऑटो गैलरी रानीबाग। ओके। दिल्ली 34। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपने जिसमें व्हाट्सएप भी आप रनिंग करते हो? मेरा नंबर है 9910947037। सो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। और सिंपल सुपर, अगर आपको आना है तो आपको गूगल मैप में ऑटो गैलरी टाइप करना है, आप सीधा यहीं पर ही ऑटो गैलरी रानीबाग टाइप करना है। हाँ। आपको लोकेशन आपको बिल्कुल शॉप पे आएगी। सो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।